हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं हटिया जा रही थी तो बच्चे लोग ने बोले कि हम ला देते हैं सामान सब्जी मार्केट से। मम्मी आप छोड़ दो आप, तो हम बोले ला दो। तो बस उसके बाद सब्जी लाए। अब देखिए मैं देख रही हूँ बच्चे ने क्या क्या सामान लाए हैं। लाए हैं बैंगन है, कद्दू है, गोभी है, खीरा। बाजार में सब्जी इतनी महंगी है, फिर भी सब्जी बगैर तो रहा नहीं जा सकता। सब्जी तो चाहिए किचन में, सब्जी नहीं रहे तो किचन सा नहीं लगता है। और देखिए गाजर है, और ये गोभी, टमाटर। अब मैं लंच के लिए लंच बनाऊंगी, आप सबको दिखाऊंगी क्या बनाई हूँ आज। देखिए कद्दू काटा है, अब कद्दू का साग बनाऊंगी। अब इसमें क्या डालूँ, गोभी में भी कुछ डालूंगी, वो भी आपको दिखाऊंगी। थोड़ा सा एक बार तेल डालूंगी ऐसा। अब देखिए इसमें ये राजस्थान की मोठ है ना, मोठ की मंगोड़ी है, इसको थोड़ा इसमें डालूंगी। मोठ की मंगोड़ी है, इसको थोड़ा इसको सेकूंगी, इसको सेकूंगी, थोड़ी सी ब्राउन हो जाएगी। फिर उसके बाद इसको कुकर में डाल के पकाऊंगी। अब इसको कुकर में डालूंगी ऐसे। अब इसको पानी डाल के थोड़ा, अब थोड़ा इसमें सूखी लाल मिर्ची डाल दिया। सूखी लाल मिर्ची डालने के बाद इसमें गोभी फ्राई करूंगी। करने के बाद फिर इसमें बॉईल किए हुए आलू डालूंगी, वो भी दिखाऊंगी। इसमें गोभी डाल रहे हैं, गोभी डाल दिया। और इसको चलाना है इसी तरीके। कद्दू का साग में प्याज डाल के बनाएंगे, वो आप सब भी देखिएगा। इधर प्याज काट रही हूँ के, तो जब तक चटपटा सब्जी नहीं बनता तो बच्चे लोग खाते नहीं हैं। और टमाटर ग्रेवी बना के डालूंगी, पहले प्याज तेल में प्याज डालूंगी, उसके बाद ग्रेवी दिखाऊंगी। ग्रेवी भी बना के मंगोड़ी पक रही है कुकर में, ये बहुत हार्ड होती है ना, तो कुकर का कुकर में ही पकती है, कढ़ाई में सीझती नहीं है जल्दी। कर रहे हैं, मेरे प्याज कटे हुए नहीं थे, प्याज को ऐसे करके पतला पतला काटेंगे। फिर उसके बाद उसमें तेल में जीरा मिर्चा तड़का मिर्चा डाल के इसको फ्राई करेंगे। जीरा डालेंगे, थोड़ा जीरा डालेंगे, और इसमें ये सूखी मिर्चा डालेंगे, इसमें हींग डालेंगे नहीं। और फिर इसको थोड़ा सा लाल करके इसमें प्याज को फ्राई करेंगे थोड़ा। अब इसमें प्याज डालेंगे, देखिए दोस्तों ये मेरे प्याज इधर फ्राई हो रहे हैं। इतनी देर में टमाटर की मैं ग्रेवी बना लेती हूँ। इसमें प्याज टमाटर काट रहे हैं, इसको ग्राइंड करेंगे। फिर इसकी प्यूरी बना के प्याज में डालेंगे। देखिए मेरा चम्मच से चला के देखते हैं तो पिसा गया है थोड़ा सा। मैं इसको मैंने हल्का ही चलाया है, ज़्यादा एकदम महीन नहीं करना है।
अभी इसको निकाल लेंगे। जैसे बुलक मंगोड़ी को डाल के इसमें कुकर में बनाई थी, लेकिन पक गई है। अब इसको कद्दू में डालूंगी। अब इसी कुकर में कद्दू को बॉईल करूंगी, एक दो सीटी लगाऊंगी, उसके बाद इसमें डालूंगा। कद्दू डाल रहे हैं, इसको भी बॉईल करेंगे, हल्का सा बॉईल करेंगे, कद्दू अच्छा से पक जाए। थोड़ा नमक डाल रहे हैं, लाल हो गए हैं, एकदम लाल लाल दिखने लग गए हैं प्याज। अब इसमें मसाला डालेंगे। देखिए ये हल्दी, ये हल्दी डाला, ये धनिया, और ये गरम मसाला, लाल मिर्ची का पाउडर जब डालूंगी लास्ट में, थोड़ा ऊपर से तड़का डालेंगे तब कलर भी आएगा। अभी नहीं डालूंगी लाल मिर्ची, वो ऊपर से बाद में डालूंगी। अब इसके बाद इसको थोड़ा नमक जाएगा, अब इसमें नमक डालेंगे। उधर मेरी कद्दू पक रही है, अब इसमें टमाटर की प्यूरी डालेंगे। देखिए एकदम गोल्डन रंग का हो गया है, एकदम कलर आएगा इसमें लाल मिर्ची जब डालूंगी तब। पकने के बाद अलग से तड़का लगाएंगे ऊपर से, देखने में तो खूब अच्छी लग रही। प्यूरी डाल दिया अच्छे से, और इसको अच्छा से चलाएंगे। ये देखिए एकदम अच्छा से तेल छोड़ देगा। उसके बाद उसमें जो मंगोड़ी बॉईल किया था वो मंगोड़ी डालेंगे इसमें, खूब चटपटा सब्जी बनेगा। देखिएगा एकदम, बच्चे यही सब्जी पसंद करते हैं, सिंपल सब्जी बच्चों लोग को अच्छी लगती नहीं है। हम लोग तो खाते हैं सिंपल, लेकिन अलग अलग बनाना पड़ता है बच्चों लोग के लिए, अलग नॉर्मल सब्जी अलग। अगर गोभी मेरी इधर पक रही है, गोभी पकने के बाद इसमें आलू डालूंगी, आलू मेरे बॉईल किए हुए हैं वो भी। देखिए इधर मेरी गोभी पक रही है, क्या है ये इसमें, ये देखिए मंगोड़ी, ये मोठ की मंगोड़ी है, ये राजस्थान में मिलती है, इधर नहीं मिलती है। देखिए इसको अब ऐसे चलाएंगे, बॉईल कर कितने से मंगोड़ी पक गई है। अब इसमें कद्दू भी मेरी तैयार हो गई है, अब इसमें कद्दू डाल देंगे। दोस्तों कद्दू थोड़ी कच्ची थोड़ी पक्की है, क्योंकि इसे मुझे कढ़ाई में भी पकाना है, ज़्यादा कुकर में पकाने से तो गल जाती, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको कच्चा रखा है। और देखिए अब कच्चा है, अब ये सब्जी ये कद्दू इसमें जाएगा। अब देखिए इसको डाल दिया इसमें, इसको ऐसे चलाएंगे, इसको ऐसे करके इसमें थोड़ा सा पानी भी डालेंगे, क्योंकि ये मंगोड़ी बनने के बाद पानी बहुत पीती है। सब्जी एकदम देखने में अच्छी लग रही है, देखिए कितना सुंदर कलर आया है। इसमें लाल मिर्ची डालेंगे तो और कलर अच्छा लगेगा। देखिए थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें तो सब्जी हमारी थोड़ी और पकेगी। अभी देखिए थोड़ा सा पानी ऐड किया इसमें, देखिए अब इसको हल्का सा एक बार ढक्कन लगा देंगे इसमें। देखिए
हमारी सब्जी तैयार हो गई है, थोड़ी पकी नहीं है, इसको थोड़ा सा सिम पे कर देंगे। अब इसमें ढक्कन लगा देंगे इसके ऊपर। आटा सान रही हूँ, उधर मेरी सब्जी पक रही है। आप फटाफट रोटियां बनाएंगे। हमारी गोभी की सब्जी सिंपल एकदम कुरकुरी हो रही है एकदम। देखिए एकदम इसमें खाली धनिया डाला है, नमक हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला दिया है और इसमें कुछ नहीं डालेंगे, एकदम प्लेन रखेंगे। क्यों? अब इसमें लाल मिर्ची का तड़का डालेंगे, उससे सब्जी में कुछ सुंदर कलर आ जाएगा। ये देखिए तेल गरम हो रहा है। अब इसमें थोड़ा सा मैंने मिर्ची डाला, बस ये सब्जी में अच्छे जाएगा तड़का। सब्जी में तड़का लगा दिया है, अब इसमें धनिया पत्ता डाल देते हैं। धनिया पत्ता डालने से और सुंदर दिख रही है सब्जी, और खाने में कितनी स्वाद होगी वो तो खाने वाले बताएंगे। रोटी स्टार्ट कर दिया है। अब ये देखिए दोपहर में ज़्यादा तो फलका ही पसंद आता है, लेकिन ये मेरी छोटी बेटी है ना, वो पूड़ी ही पसंद करती है। वो बोली मम्मी मेरे लिए तो पूड़ी बना दो, मैं तो पूड़ी खाऊंगी। हम बोले लो भाई पूड़ी बना देते हैं, पूड़ी खाओ, जिसको फलका पसंद है फलका खाओ। देखिए मेरी रोटी पूड़ी गोल गोल, मैं बनाती हूँ फिर पूड़ी बनाती हूँ तो फिर गोल हो जाती है मेरी बनाते बनाते। गए हैं तेल लगा रहे हैं इसमें, अब ये सुंदर से पक जाएगी, उसके बाद थाली डालेंगे, प्लेटिंग करेंगे। ये देखिए हमारी पूड़ी फूल रही है। हमारा खाना बन गया है, हमारे बच्चे को भूख लग गई है, खाना डाल रहे हैं। और हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे फिर।